Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों मेरा नाम डॉक्टर हिमानी सिंह है मैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ मैं जिस विषय पर आज चर्चा करने वाली हूँ उस विषय का नाम है प्रबंधन प्रक्रिया और संगठनात्मक व्यवहार यानी कि मैनेजमेंट प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और आज इस विषय में जिस व्याख्यान पर हम बात करेंगे वो है संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन पिछले व्याख्यान में हमने बात करी थी कि प्लानिंग क्या होती है नियोजन क्या है योजना क्या है योजना का क्या महत्व है प्रबंधन में आज हम जिसके ऊपर बात करने वाले हैं वो है ऑर्गेनाइजिंग यानी कि प्रबंधन कार्यों का दूसरा कार्य दूसरा महत्वपूर्ण कार्य तो विद्यार्थियों इस सत्र के तक आप निम्न में सक्षम होंगे जैसे कि संगठनों में संगठन की भूमिका को समझेंगे हम इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार विभागीकरण यानी कि डिपार्टमेंटेशन किया जाता है किसी भी संगठन में और इसके क्या फ़ायदे होते हैं इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि एक प्रबंधक कितने लोगों को अच्छे से मैनेज कर सकता है प्रभावपूर्ण तरीके से मैनेज कर सकता है हम और बात करेंगे प्राधिकरण की यानी कि अथॉरिटी और इससे जितने भी रिलेटेड कंसेप्ट हैं उसके बारे में इसके अलावा हम बात करने वाले हैं प्राधिकरण के प्रत्यायोजन की यानी कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इसका क्या महत्व है यह क्यों जरूरी है यह कितने प्रकार का होता है निम्न बातों पर हम आज बात करने वाले हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग है क्या ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन का तात्पर्य वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी संगठन में गतिविधियों की पहचान करना और उनका समूह बनाना है यह संगठन के विभिन के विभिन्न विभागों बीच संबंधों से संबंधित है इसने एक संगठन ऑर्गेनाइजिंग की कार्यशैली को भी निर्धारित किया है अगर हम साफ शब्दों में या सीधे शब्दों में बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग वह फंक्शन है या वह कार्य है प्रबंधन का जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि जो कार्य हमने प्लानिंग के वक्त योजना के वक्त डिसाइड किए थे तय किए थे उनको कैसे किया जाए जब हम बात करते हैं कि उन कार्यों को करने की तो सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आती है कि किसी संगठन की संरचना कैसी है उसमें कौन कौन से पद हैं उसमें कौन कौन से स्तर हैं उसमें कौन कौन से विभाग हमें चाहिए होंगे उन कार्यों को पूरा करने के लिए जो हमने प्लानिंग में बात करी है तो ये जो इतनी सारी चीज़ें हैं कि कितने पद होंगे कौन से पद होंगे किसको कितनी अथॉरिटी यानी कि प्राधिकरण दिया जाएगा किसको कितना प्रत्यायोजन किया जाएगा किसको कितना उत्तरदायित्व मिलेगा कौन कितने लोगों को आसानी से मैनेज कर सकता है इन सब की बात हम करते हैं ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में जो कि प्रबंधन कार्यों का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है अगर हम इसको थोड़ा और विस्तार से जाने तो ऑर्गेनाइजिंग का अर्थ है संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए हर चीज़ को व्यवस्थित रूप पर व्यवस्थित करना ताकि गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाया जा सके जैसा कि हमने नियोजन के वक्त कुछ गतिविधियां प्लान करी कुछ गतिविधियां तय करें कि ये हमें कार्य करने हैं तो उनको किस तरीके से हम सुचारू रूप से चला सकते हैं यह हमें पता चलता है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन से यह प्रबंधन का दूसरा कार्य होता है जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इसके अलावा प्रत्येक संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग नियोजन प्रक्रिया के बाद आता है जब आपके पास कोई योजना होगी तो उस योजना को किस तरीके से अच्छे तरीके से प्रभावपूर्ण तरीके से दक्षता पूर्वक हम कर पाए ये होता है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन और यही नहीं दूसरी ओर हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग का तात्पर्य विभागों का निर्माण और कर्तव्यों को सौंपना है और उस ढांचे का निर्माण करना भी है जिसमें संगठन की गतिविधियां वास्तव में की जाती हैं तो कहीं ना कहीं जिस बातों पर हमने बात करी थी कि विभागीकरण करना किसको कितना कर्तव्य दिया जाए किसके पास कितना अधिकार है किसका कौन सा उत्तरदायित्व है इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे इस व्याख्यान में एक और परिभाषा पे मैं थोड़ा सा जोर डालना चाहूंगी जो कि कूट्स ओडोनेल ने दी थी संगठन में एक उद्यम और उसके प्रत्येक भाग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक गतिविधियों के निर्धारण और गणना के माध्यम से भूमिकाओं की एक अंतर्राष्ट्रीय संरचना की स्थापना शामिल है इन गतिविधियों का समूह प्रबंधक को गतिविधियों के ऐसे समूह का असाइनमेंट उन्हें पूरा करने के लिए प्राधिकरण का प्रतिनिधि प्रतिनिधिमंडल और प्राधिकरण और सूचनात्मक संबंधों के समन्वय के लिए प्रावधान शैतज और लंबवत है तो ये थी एक परिभाषा जिसकी बात हम इतनी देर से कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की तो चलिए थोड़ा और समझते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन फंक्शन का क्या रेलेवेंस है प्रासंगिकता क्या है क्यों जरूरी है क्यों यह है? इतना महत्वपूर्ण है किसी भी संगठन के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो सबसे पहली चीज तो यह है कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन हमें यह बताता है कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्या है इसका मतलब प्राधिकरण और जिम्मेदारी के बीच का संबंध क्या है लोगों में बड़ा ही गलत तरीके से ये दोनों चीजें सामने आती हैं कभी कभी कुछ लोग अथॉरिटी तो लेते हैं यानी कि अधिकार लेते हैं प्राधिकरण लेते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी उनकी नहीं है तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हम किस तरीके की अथॉरिटी किसको दे रहे हैं संगठन के अंदर किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि ज़िम्मेदारी किसको दे रहे हैं कैसे पूरी होगी कौन किसके लिए अकाउंटेबल है ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में जिसमें ये क्लैरिटी लेकर आई जाती है कि कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा कौन किस चीज़ के लिए अकाउंटेबल रहेगा कौन किस चीज़ के लिए अथॉरिटेटिव रहेगा बहुत सारे लोग अथॉरिटी तो लेना चाहते हैं अधिकार तो लेना चाहते हैं लेकिन उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते तो हमें ये समझना पड़ेगा कि किसको किस प्रकार की जिम्मेदारी दी जाए जिससे कि संगठन का कार्य प्रभावपूर्ण और दक्षतापूर्वक तरीके से हो पाए इसके अलावा जब हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन हमें संचार का पैटर्न भी बताता है यानी कि कम्युनिकेशन हमने पिछले सत्रों में भी बात करी थी कि कम्युनिकेशन संचार कहीं ना कहीं किसी भी संगठन की आत्मा होती है अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या योजना बनी उस योजना को कैसे पूरा किया जाएगा उस योजना के लिए हमने क्या क्या निम्न और योजनाएं बनाई तो अगर कम्युनिकेशन ही नहीं है तो सारा ढांचा हमारे संगठन का ध्वस्त हो सकता है तो ऑर्गेनाइजिंग का काम ये भी होता है यह देखना कि हमारी गतिविधियों के अनुसार किस तरीके का संचार पैटर्न हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमारे संगठन के लिए सही है बहुत सारे कम्युनिकेशन पैटर्न होते हैं अगर हम बात करें तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इसके अलावा काफ़ी सारे वन वे टू वे कम्युनिकेशन फ्री फ्लो कम्युनिकेशन अब यह आपको देखना है यह आपको निर्धारित करना है कि आपकी संगठन की सोच के हिसाब से आपके संगठन की क्या प्राथमिकता है उसके हिसाब से आप अपने संगठन का एक कम्युनिकेशन पैटर्न यानी कि संचार देखेंगे कि, कि किस तरीके से होगा इसके अलावा जब हम संगठन की प्रासंगिकता की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन हमें मदद करता है यह देखने में यह लोकेट करने में कि कौन से निर्णय लेने के केंद्र हैं किसी भी संस्था के अंदर देखिए जब हम बात करते हैं निर्णय लेने की या डिसीजन की तो अलग अलग प्रकार के डिसीजन या अलग अलग प्रकार के निर्णय होते हैं अगर हम एक कंपनी की बात करें तो उसमें कुछ डिसीजन एचआर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड होंगे कुछ मार्केटिंग डिपार्टमेंट के होंगे कुछ फाइनेंस रिलेटेड होंगे तो ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग के द्वारा कहीं ना कहीं जो एक तरीके की एक्टिविटीज़ या गतिविधियाँ होती हैं उनको एक समूह में लाकर एक विभाग बनाते हैं और हम ये डिसाइड करते हैं कि यह विभाग पूर्ण रूप से उस एरिया के निर्णय लेने के लिए सक्षम है तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन हमें यह भी मदद करता है कि हम ये लोकेट कर पाए हम ये देख पाए कि कौन सा डिसीजन सेंटर किस चीज के लिए है या कौन सा विभाग किस तरीके के निर्णय लेगा इसके अलावा कौन सा अधिकारी किस निर्णय के लिए प्राधिकरण रखता है अथॉरिटी रखता है तो इसके अलावा सिर्फ यही नहीं ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन हमें इसमें भी मदद करता है जिससे कि हम बैलेंस ला पाते हैं अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज में और अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के द्वारा ही किसी भी संस्था में एक अच्छा टीम वर्क का प्रदर्शन दिया जा सकता है जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि किसी भी कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम्युनिकेशन पैटर्न होना बहुत जरूरी है और वो भी टू वे कम्युनिकेशन या फ्री फ्लो कम्युनिकेशन होना जरूरी है तो अगर वह होगा तो वह संगठन ज़रूर एक अच्छे वर्क का प्रदर्शन करेगी और आखिरी में मैं एक और चीज़ पर जोर डालना चाहूँगी कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन से हमें मदद मिलती है जिससे कि हम प्रोत्साहित होते हैं विकास की ओर और। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है प्रबंधन के कार्यों में तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है संगठन की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग तो सबसे पहले हम क्या करते हैं हम यह देखते हैं कि हमारी गतिविधियां कौन कौन सी हैं कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हमें करनी होंगी प्लान को पूर्ण रूप से लाने के लिए जो हमने प्लानिंग में डिसाइड किया था योजना के वक्त बनाया था उससे लिंक करते हुए हमें सोचना है कि कौन कौन सी ऐसी निम्न एक्टिविटीज या निम्न गतिविधियां हैं जिनको हमें पूर्ण करना है फिर हम देखते हैं कि उन गतिविधियों में किस तरीके से हम काम को विभाजित कर पाए यानी कि डिविजन ऑफ वर्क और जब हम वो डिविजन ऑफ वर्क करते हैं तो उसके साथ साथ हम उसके आगे बढ़ते हुए सेम तरीके के यानी कि सिमिलर तरीके के सिमिलर तरीके के ग्रुप्स को समूहों को साथ में लाते हैं और उनकी ग्रुपिंग करते हैं जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि अगर आपका आपकी कंपनी में मार्केटिंग से रिलेटेड यानी कि एडवरटाइजिंग सेल्स प्रमोशन इन सबकी अलग अलग गतिविधियां हैं एक्टिविटीज हैं तो आप पहले तो ये देखेंगे कि काम क्या क्या है फिर उस काम को आप विभाजित करेंगे फिर आप सिमिलर तरीके के एक तरीके के कार्यों को ग्रुप करेंगे और एक जॉब डेजिग्नेशन बनाएंगे और फिर उसके अलावा आप असाइन करेंगे उन ग्रुप को कुछ कुछ जॉब्स जॉब्स यानी कि कार्य यानी कि उसकी नौकरी उसका कार्य क्या होगा उस जॉब पर रहते हुए फिर उसके अलावा आप एक हायरैरकी यानी कि पदानुक्रम बनाएंगे जो कि हम स्केलर चेन के नाम से भी जानते हैं और उसको बनाने के बाद आप फाइनल आप सबसे आखिरी में इंटीग्रेट करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि कोई नौकरी या कोई जॉब या कोई कार्य रेपिटेटिव हो गया हो या वो कार्य मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले भी कर रहे हैं और वही कार्य फाइनेंस वाले भी कर रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं कोई ड्यूप्लीकेशन तो नहीं है और यह भी देखना पड़ेगा कि कैसे अलग अलग विभाग एकजुट होकर कंपनी की संगठन की विकास की ओर बढ़े तो यह होता है संगठन की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ और ऑर्गेनाइजिंग तो चलिए आगे देखते हैं और पढ़ते हैं विभागीकरण यानी कि डिपार्टमेंटेशन विभागीकरण संपूर्ण उपक्रम को विभिन्न विभागों में तोड़ने की प्रक्रिया है यानी कि आप एक संपूर्ण संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आप उनको निम्न भागों में बांट रहे हैं अब हर संगठन का एक अलग तरीका हो सकता है विभागों में विभाजित करने का यह हर संगठन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का वह किस तरीके का चाहते हैं विभागीकरण अगर हम विभागीकरण की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि विभागीकरण की जरूरत क्यों है तो मैं बताऊंगी विभागीकरण की जरूरत इसलिए है जिससे कि हम एक स्पेशलाइज तरीके से विशिष्ट रूप से एक ही कार्य को ध्यान देकर एक अच्छे तरीके से उसको कर पाए हो सकता है एक इंसान एक चीज़ में तो बहुत दक्ष है लेकिन बाकी फंक्शंस में या बाकी एक्टिविटीज़ में वो नहीं दक्ष है वो नहीं प्रभावपूर्ण है तो हमें यह देखना है कि उस कंपनी में रहते हुए उस इंसान की जितनी भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं या उसकी स्पेशलाइजेशंस हैं उनको हम किस तरीके से यूज़ करें तो विभागीकरण एक तरीके का आप कह सकते हैं कि संगठन के लिए मंत्र है कि स्पेशलाइज्ड तरीके से किस कैसे हम अपने कार्य को पूरा करें इसके अलावा कार्य को विभाजित करने तथा प्रशासन की दृष्टि से उन्हें यूनिट तथा सब यूनिट अथवा विभाग में समूहित यानी कि ग्रुपिंग करने को ही विभागीकरण यानी कि डिपार्टमेंटेशन कहा जाता है इसको हम डिवीजन, ब्रांच ब्यूरो अथवा सेक्शन के नाम से भी जानते हैं अब हम आगे इसमें जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे विभागीकरण के प्रमुख प्रकार अलग अलग तरीके से आप विभागीकरण कर सकते हैं कार्य आधारित विभागीकरण होता है या फिर उत्पाद आधारित इसके अलावा प्रक्रिया आधारित भी होता है और भौगोलिक आधारित भी ग्राहक आधारित भी है और प्रभागीय आधारित भी तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यह विभागीकरण किस तरीके से अलग अलग प्रकारों में बटा हुआ है तो सबसे पहले मैं बात करने जाऊंगी कार्य आधारित विभागीकरण की यानी कि फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन की पहले तो मैं बता दूं ये सबसे सरल तरीका होता है सबसे सरल प्राकृतिक मतलब कि नेचुरल तरीका है हर संगठन में विभागीकरण करने का और ज्यादातर संगठन में आप इस तरीके का विभागीकरण जरूर पाएंगे और जब हम फंक्शनल की बात कर रहे हैं तो फंक्शनल का यहाँ पे मतलब है कि सामान गतिविधियों या कार्यात्मक मतलब कि सिमिलर एक्टिविटीज़ या फिर सिमिलर फंक्शंस फंक्शनल एरियाज को हम एक तरीके से समूह बना देते हैं और उनका विभागीकरण कर देते हैं जैसे कि हमने ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं चाहे वो भर्ती हो चाहे वो चयन हो चाहे वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो चाहे वो परफॉर्मेंस अप्रेजल हो चाहे वो मैन पावर प्लानिंग हो ये सारी एक्टिविटीज ये जितनी भी गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को हमने एक समूह में लेकर आए और हमने उस विभाग का नाम रख दिया ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आप बहुत सारे संगठन यानी कि मैं तो कहूंगी कि ज्यादातर संगठन आपको इस तरीके के विभागीकरण करते हुए पाए जाएंगे जिसमें उन्होंने फंक्शन के बेसिस पर कि उनका क्या फंक्शन है उनका क्या कार्य है उस कार्य के अनुसार उन्होंने विभागीकरण कर दिया है हाँ जब हम बात करते हैं तो सबसे अच्छा सबसे अच्छी इसकी जो बात है वो यह है कि विशेषता के अनुसार हम विभागीकरण कर रहे हैं और जब हम विशेषता के अनुसार विभागीकरण कर रहे हैं तो इसका मतलब इसका फायदा भी हमें मिल रहा है जो जिस तरीके में निपुण हैं वो उसी डिपार्टमेंट या उसी विभाग का हिस्सा बनेगा और उसमें जब वो योगदान देगा तो वो विभाग भी अच्छा कार्य करेगा हाँ एक इसमें लिमिटेशन रहती है जो हम मान सकते हैं कि जब हम संगठन की बात करते हैं तो हम अलग अलग किसी भी विभाग का कंट्रीब्यूशन नहीं माप सकते हम ये नहीं कह सकते कि कंपनी ने अगर पाँच परसेंट ग्रोथ किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट के भरोसे है या एच डिपार्टमेंट के भरोसे है या फाइनेंस डिपार्टमेंट के भरोसे है तो प्रत्येक विभाग के योगदान को मापा नहीं जा सकता यह इसकी थोड़ी कमी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब डिपार्टमेंट्स का इक्वल श्रेय रहता है तभी कंपनी या संगठन आगे बढ़ता है इसके बाद हम दूसरे विभागीकरण पर जाना चाहेंगे जिसका नाम है उत्पाद आधारित विभागीकरण यानी कि प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन या प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन जब प्रोडक्ट की बात आ रही है तो शायद आप समझ पा रहे होंगे कि अब जो विभागीकरण हो रहा है वो संगठन किस बेसिस पर कर रही है वो संगठन कर रही है कि वो कौन कौन से उत्पाद लेकर आती है कौन कौन से प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आती है जैसे कि अगर हम एक ऑटोमोबाइल कंपनी की बात करें वो ऑटोमोबाइल कंपनी दो पहिया वाहन में भी है तीन पहिया वाहन में भी है और चार पहिया वाहन में भी है अब उन्होंने क्या किया उन्होंने अपना विभागीकरण कर दिया प्रोडक्ट के अनुसार यानी कि टू व्हीलर्स का एक अलग डिपार्टमेंट थ्री व्हीलर्स का एक अलग डिपार्टमेंट और फोर व्हीलर्स का एक अलग डिपार्टमेंट हाँ इसमें एक चीज जरूर है कि अब हर जैसा उन्होंने विभागीकरण किया है प्रोडक्ट के बेसिस पर तो हर प्रोडक्ट में फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन भी रहेगा अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको अलग अलग ही रखना चाहेंगे या एक हेडक्वार्टर में आप सारी चीजें करना चाहेंगे और उसके बाद आपने प्रोडक्ट के बेसिस पर अलग अलग विभागीकरण कर दिया है यह ज्यादातर देखा गया है कि तब उपयोगी होता है जब प्रत्येक उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट लाइन में हम विस्तार करना चाहते हैं जैसे कि हम अगर टू व्हीलर की बात करें तो हम टू व्हीलर में भी हम बाइक की भी बात कर रहे हैं हम स्कूटर की भी बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी बात करना चाहते हैं तो यह उन जगहों पे उन संस्थानों में ज़्यादा अच्छा रहता है जहाँ पर एक एक प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट लाइनें हैं और हम प्रोडक्ट लाइनों पर अच्छे से फोकस करना चाहते हैं हाँ ड्यूप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ रहेगा जैसा कि मैंने बोला कि हर विभाग में अपना फाइनेंस एच आर मार्केटिंग डिपार्टमेंट रहेगा तो आप सोच के देखिए आपकी एक कंपनी है जिसमें आप टू व्हीलर और थ्री व्हीलर अलग अलग बात करते हैं तो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर दोनों में ही फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन भी है और आप एक अलग डिपार्टमेंटेशन भी चला रहे हैं तो अगर हम ये कहें तो हाँ थोड़ा सा कॉस्टली रहता है अगर हम कॉस्ट के मामले में बात करें तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रक्रिया आधारित विभागीकरण की यानी कि प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन अब जब हम प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात करते हैं तो प्रोसेस जैसे कि आप एक उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब जब हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं उस पर स्पिनिंग होगा वीविंग होगा डाइंग होगा कलरिंग होगा तो आपकी संस्था ने क्या किया आपकी संस्था ने जो विभाग बनाए या डिपार्टमेंटलाइजेशन किया वो प्रोसेस के बेसिस पे कर दिया मतलब कि स्पिनिंग डिपार्टमेंट पूरा अलग होगा वीविंग डिपार्टमेंट अलग होगा फिर डाइंग डिपार्टमेंट अलग होगा कलरिंग डिपार्टमेंट अलग होगा और इस तरीके से आपने विभाजित किया है अपने प्रोसेस को क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट आपका जो प्रोडक्ट बनता है उसमें कई सारे प्रोसेस हैं और वो प्रोसेस अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं बहुत डिटेल में हैं तो आपने क्या किया आपने जो डिपार्टमेंटेशन किया या विभागीकरण किया वो आपने प्रोसेस प्रक्रिया के बेसिस पर कर दिया हाँ देखा जाए तो इसमें भी अगर आपको याद हो एफडब्ल्यू टेलर का हमने फंक्शनल फोरमैनशिप की बात करी थी तो उस तरीके से देखा जाए तो इसमें जो इंसान स्पिनिंग डिपार्टमेंट में है वो अच्छे से स्पिनिंग डिपार्टमेंट स्पिनिंग के सारे प्रोसेसेस के बारे में बात कर पाएगा उसकी जिम्मेदारी ले पाएगा तो अगर हम बात करते हैं प्रोसेस या प्रक्रिया आधारित विभागीकरण की तो ये अच्छा है ज्यादातर देखा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग या फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंटरप्राइजेस में इसका ज्यादा योगदान रहा है एफिशिएंसी इसका एक अच्छा या आप कह सकते हैं कि एफिशिएंसी या दक्षता पूर्वक कार्य हो जाए तो ये इसका एक लाभ है अब आप कहेंगे कि कैसे इसमें दक्षतापूर्वक कार्य की बात हो रही है आप सोच के देखिए अगर आप एक ही कार्य में लगे हुए हैं एक ही प्रोसेस को आप बार बार कर रहे हैं तो आप उसमें धीरे धीरे दक्ष होते ही जाएंगे तो इसलिए हम इसमें एफिशिएंसी और स्पेशलाइजेशन की भी बात करते हैं हाँ ये जरूर है कि इसमें कुछ संगठनात्मक संघर्षों की संभावना रहती है और वो भी इसलिए क्योंकि अलग अलग प्रोसेस हैं तो अगर एक प्रोसेस का काम कुछ गड़बड़ी हुई तो वो दूसरे प्रोसेस को भी इम्पैक्ट करेगा और फिर वो आगे इम्पैक्ट होता ही जाएगा तो बहुत सारे लोग एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी भी डालते हैं आसानी से तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस रहती हैं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भौगोलिक आधारित विभागीकरण की जब हम भौगोलिक आधारित विभागीकरण की बात कर रहे हैं तो ये उन कंपनीज में या उन संगठन में देखा जाया देखा गया है जहाँ पर बड़े पैमानों के उद्यम होते हैं या बहुत ही वाइडली डिस्पर्सड उनकी एक्टिविटीज हैं जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम बैंक लेते हैं जैसे आई सी आई सी आई बैंक एच डी एफ सी बैंक कोई भी बैंक आप लीजिए आप देखिए उन्होंने क्या किया हुआ है उन्होंने अपने जो विभाग बनाए हुए हैं वो उन्होंने नॉर्थ जोन ईस्ट जोन साउथ जोन वेस्ट जोन जियोग्राफी यानी कि भूगोल के हिसाब से बांट रखा है तो ज्यादातर आप इस तरीके का डिपार्टमेंटलाइजेशन या विभागीकरण बैंक बीमा कंपनियां परिवहन कंपनियां और वितरण एजेंसियों जैसे में आप देखते हैं विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसाय के विस्तार की सुविधा ये प्रदान करता है आप सोचिए आप अपने को और अगर एक्सपैंड करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा तरीका है विभागीकरण का अब यह आप पर निम्न करता है आप पर डिपेंड करता है कि आप एक फंक्शनल डिपार्टमेंट एक हेडक्वार्टर बनाएं या हर अलग अलग जोन में अलग अलग जियोग्राफी में एक और फंक्शनल डिपार्टमेंट बनाए अनडाउटेडली जब हम बात करते हैं इस तरीके के विभागीकरण की तो इसका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन यानी कि संचालन की लागत थोड़ी ज़्यादा होती है तो चलिए आगे हम बात करेंगे कस्टमर डिपार्टमेंटेशन की कस्टमर डिपार्टमेंटेशन मतलब ग्राहक आधारित विभागीकरण यह वहां पे ज़्यादा अच्छा रहता है, जहां पर हमारा consumer, ग्राहक जो होता है वो अलग अलग तरीके से है जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें उदाहरण के तौर पर बैंक एक बैंक में लोन डिपार्टमेंट है और उस लोन डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रकार के कस्टमर यानी कि ग्राहक हैं जैसे कि कुछ ग्राहक हैं पर्सनल लोन के लिए कुछ ग्राहक हैं होम लोन के लिए कुछ ग्राहक हैं एजुकेशन लोन के लिए तो आपने क्या किया आपने विभाग बना दिए क्योंकि आपको पता है कि हर बेस हर डिपार्टमेंट हर विभाग हर एरिया का जितना भी कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा है तो अगर आपने एक साथ सिर्फ एक लोन डिपार्टमेंट चलाया तो परेशानी रहेगी तो आपने क्या किया आपने लोन डिपार्टमेंट को भी यानी कि लोन विभाग को भी विभागीकरण कर दिया आपने पर्सनल लोन का एक अलग विभाग बना दिया आपने होम लोन का एक अलग विभाग बना दिया आपने एजुकेशन लोन का एक अलग विभाग बना दिया तो यह बनता है गतिविधियों को ग्राहकों के प्रकार के अनुसार समूहीकृत जब होता है उन उद्यमों के लिए उपयोगी है जो कई स्पष्ट रूप से परिभाषित ग्राहक समूहों को उत्पाद या सेवा बेचते हैं जैसा कि अभी मैंने आपको उदाहरण से समझाया कि एक बैंक लोन दे रहा है लेकिन अलग अलग प्रकार के लोन दे रहा है अलग अलग कस्टमर्स या ग्राहकों की नीड्स हैं उसके हिसाब से लोन दे रहा है तो प्रत्येक प्रकार के ग्राहक के विशेष स्वाद और प्रेफरेंसेस पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है इसका ये फायदा होता है कि हम एक ही तरीके के कस्टमर को अब टैप कर रहे हैं एक ही तरीके के ग्राहक को हम देख रहे हैं तो हम उसकी हर अच्छी बुरी टेस्ट प्रेफरेंस जो भी है उसको अच्छी तरीके से माप कर अच्छा प्रोडक्ट लेकर आ सकते हैं अपने ग्राहक के लिए तो यह इसका फ़ायदा होता है कुछ विभागों में सुविधाओं और जनशक्ति का कम उपयोग होता है अंडर यूटिलाइजेशन रहता है मैन का और वो इसीलिए क्योंकि रेपिटेटिव काम हो रहा है लोन में भी कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ गतिविधियाँ ऐसी होंगी जो कहीं ना कहीं पर्सनल लोन में भी हैं एजुकेशन लोन में भी हैं तो ये एक रेपिटेटिव हो जाता है थोड़ा सा तो इसके कुछ फायदे भी हैं और नुकसान भी अब हमें ये सीखना है हमें ये समझना है कि हम कैसे इसके फ़ायदों को यूज़ कर सकते हैं और नुकसानों को कम कर सकते हैं तो ये अलग अलग तरीके के विभागीकरण थे अब हम जिस पर बात करने जा रहे हैं वो है नियंत्रण के दायरे यानी कि स्पैन ऑफ कंट्रोल इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपका ध्यान इस तरफ लेके जाना चाहूंगी कि आप क्या सोचते हैं अपने बारे में कि आप कितने लोगों को मैनेज कर सकते हैं आसानी से आसानी मतलब दक्षतापूर्वक और प्रभावपूर्ण तरीके से आप एक बार अपने अपने मन में सोचिए अगर आपसे पूछा जाए तो कितने लोगों को कर पाएंगे सबके शायद अलग अलग जवाब होंगे कोई सोचता होगा कि मैं पाँच लोगों को आसानी से मैनेज कर रहा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कोई सोचता होगा कि मैं सौ लोगों को आसानी से मैनेज कर ले जाऊँगी या कोई सोचता होगा उसके लिए ये नंबर सिर्फ दस ही है या बीस ही है या हज़ारों में है तो ये सोच पाना कि हम प्रभावपूर्ण तरीके से और दक्षतापूर्वक कैसे और कितने लोगों को अपने अधीनस्थ मैनेज कर पाते हैं कंट्रोल या नियंत्रित कर पाते हैं उसी को कहा जाता है स्पैन ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण का दायरा अधीनस्थों या कार्य की इकाइयों की वह संस्था जिसे कोई अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर निर्देशित नियंत्रित और निरीक्षित कर सकता है इसे नियंत्रित के दायरे के नाम से भी जाना जाता है अगर हम दिमाग व दिमाग के अनुसार बात करें तो नियंत्रण का दायरा किसी बिजनेस यानी कि किसी उद्यम के प्रमुख कार्यकारी और उसके मुख्य सहायक अधिकारियों के बीच होने वाले सीधे आदतन संचार संपर्कों की संस्था और सीमा है जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि हर कोई अपने दिमाग में जब सोच रहा होगा कि हम कितने लोगों को दक्षतापूर्वक और प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं तो सबका एक अलग नंबर सामने आ रहा होगा तो अगर हम कुछ रिसर्चर्स की बात करें तो कुछ रिसर्चर्स के हिसाब से भी सबका एक अलग अलग नंबर आ सकता है जैसे कि अगर हम बात करें सर इयान हैमिल्टन की तो वह महसूस करते हैं कि एक पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर तीन या चार से अधीनस्थों का पर्यवेक्षण कर सकता है यानी कि सुपरविजन कर सकता है इसके अलावा अगर हम वी ए ग्राइकंस बात करें तो वह मानते हैं कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति पांच से छह अधीनस्थों के कार्य का सीधा पर्यवेक्षण कर सकता है इसके अलावा लॉर्ड दस से बारह अधीनस्थों का पर्यवेक्षण कर सकता है अमेरिकी मैनेजमेंट एसोसिएशन यानी कि एएमए का मानना है कि एक, एक श्रेष्ठ व्यक्ति नौ अधीनस्थों का पर्यवेक्षण आसानी से कर सकता है तो अब सोचने वाली बात यह आती है कि हम ये कैसे निर्णय लें या निर्णय लेता कौन है कि हम इतने ही लोगों को या इतने ही लोगों का पर्यवेक्षण कर पाएंगे सुपरविजन कर पाएंगे नियंत्रण कर पाएंगे तो इस पर हम कुछ फैक्टर्स की बात करेंगे लेकिन उससे पहले हम जरा बात करना चाहेंगे नियंत्रण के दायरे के दो प्रकारों के तो जब हम नियंत्रण के दायरे के दो प्रकार के बात करते हैं तो दो तरीके के प्रकार होते हैं एक होता है लंबा ढांचा यानी कि टॉल स्ट्रक्चर और एक को हम कहते हैं सपाट संरचना यानी कि फ्लैट स्ट्रक्चर जब हम टॉल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कुछ संगठनों में तो बहुत सारे पदानुक्रम होते हैं बहुत सारी हायरार्किल लेवल्स होते हैं बहुत सारी लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं अलग अलग डेजिग्नेशंस होते हैं जिसकी वजह से उनकी संरचना का स्ट्रक्चर मतलब उनकी संरचना लंबी हो जाती है यानी कि टॉल हो जाती है इसी के विपरीत हमने कई जगहों पर देखा है कि हायरार्कियल लेवल्स यानी कि पदानुक्रम, पदानुक्रम के स्तर कम होते हैं जो हायरार्कियल लेवल्स हैं वो बहुत कम हैं डेजिग्नेशन बहुत ज्यादा नहीं है एक मैनेजर है और मैनेजर के अंडर वर्कर्स काम कर रहे हैं तो ये हो गया एक वाइट स्ट्रक्चर का एक उदाहरण एक प्रेसिडेंट है देन वाइस प्रेसिडेंट है उसके बाद और उसके बाद फिर एक एच है फिर उसके बाद सीनियर मैनेजर है फिर जूनियर मैनेजर है अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर है यानी कि संरचना है तो उसको हम टॉल स्ट्रक्चर यानी कि लंबा ढांचा कहते हैं अब इसके अलावा जब हम टॉल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो टॉल स्ट्रक्चर में आप समझ पाएंगे कि जो आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है यानी कि नियंत्रण करने का दायरा होता है वो थोड़ा संकीर्ण होता है आप कुछ ही लोगों को या कुछ ही लोगों का नियंत्रण कर पाते हैं लेकिन वहीं पर वाइट स्ट्रक्चर में एक इंसान बहुत सारे लोगों को आसानी से नियंत्रित कर पाता है अगर इसकी और हम बात करें टॉल स्ट्रक्चर में तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट या आप कह सकते हैं कि एक लिमिटेशन है कि टॉल स्ट्रक्चर में देखा गया है यह पाया गया है कि जब निर्णय लेने की बारी आती है तो निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा समय लगता है शायद अब आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि समय ज़्यादा क्यों लगता है समय ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि उसमें बहुत सारे हरारकियल लेवल्स हैं बहुत सारे पदानुक्रम हैं लेकिन वहीं पर स्ट्रक्चर यानी कि सपाट संरचना यानी कि फ्लैट स्ट्रक्चर में कम पदानुक्रम स्तर होने की वजह से निर्णय लेना थोड़ा आसान रहता है अगर हम बात करें टॉल स्ट्रक्चर की यानी कि लंबे ढांचे की तो उसका एक फायदा यह है कि आपके पास पदोन्नति के बहुत सारे अवसर होते हैं क्योंकि आपके पास इतनी सारी डेजिग्नेशन हैं आप जूनियर मैनेजर से सीनियर मैनेजर बने सीनियर मैनेजर से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से वाइस प्रेसिडेंट बने तो बहुत सारे लेवल्स हैं स्तर हैं तो आपको आपके प्रमोशन के चांसेस आपके पदोन्नति के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं लेकिन वहीं पर व्हाइट स्ट्रक्चर में पदोन्नति के चांसेस थोड़े कम रहते हैं क्योंकि वहां पर पदानुक्रम ही नहीं है स्तर ही नहीं है ज्यादा तो ये था नियंत्रण के दायरों का प्रकार तो अब ये आपको अपने संगठन को ध्यान में रखते हुए सोचना और समझना है कि आपको टॉल स्ट्रक्चर की जरूरत है या आपको वाइट स्ट्रक्चर या फ्लैट स्ट्रक्चर की जरूरत है और उस जरूरत के अनुसार आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में संगठन में ये नियंत्रण का दायरा लाना चाहिए जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी नियंत्रण के दायरे को निर्धारक नियंत्रण के दायरे को कौन मानता है कि पांच लोग हम कर सकते हैं नियंत्रित या छह लोग हम तो ये डिसाइड कैसे होता है इसके क्या फैक्टर्स हैं क्या कारक हैं तो अगर हम कुछ बात कारकों पे करें तो सबसे पहला कारक जो इसका होता है वह होता है अधीनस्थों द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति नेचर ऑफ द वर्क विच इज बींग डन बाय सबोर्डिनेट्स अब आप सोच के देखिए जो आपके जूनियर्स हैं अधीनस्थ हैं उनका कार्य बहुत ही कॉम्प्लेक्स बहुत ही जटिल है तो आप ज्यादा लोगों को नियंत्रित कर पाएंगे या आपको जरूरत है कम लोगों को नियंत्रित करने की जहां पर कार्य क्रिएटिविटी रचनात्मकता से जुड़ा हुआ है आपके अधीनस्थ को रचनात्मक कार्य करना है इनोवेटिव कार्य करना है क्रिएटिव कार्य करना है कॉम्प्लेक्स कार्य करना है तो वहां पर आप ज्यादा लोगों को नियंत्रित कर सकते हैं या कम तो जवाब में आपको पता चलेगा कि कम चार से पांच लोग जहां पर जब हम बात कर रहे हैं क्रिएटिविटी की इनोवेशन की तो अगर आप सीनियर हैं आप उनके प्रमुख हैं तो आपको उनको भी समय देना पड़ेगा हर एक इंसान को अलग अलग समय देना पड़ेगा अलग अलग चीजें समझानी पड़ेंगी कार्य की जटिलताओं को आपको समझना पड़ेगा उनको आगे बढ़ने का निर्देशन देना पड़ेगा तो उस चीज में इस तरीके की सिचुएशन में आप कम ही लोगों को मैनेज कर सकते हैं लेकिन आप सोच के देखिए आप एक कंपनी में हैं जिसमें एक ही तरीके का कार्य सौ लोगों को करना है और उसमें कोई क्रिएटिविटी कोई रचनात्मकता कोई स्ट्रैटेजिक डिसीजन उनको नहीं लेना उनको एक मशीन पर बस काम करना है मशीन के तरीके से ही जिसमें उनको बहुत ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है जितना काम दिया गया है उसको वो काम करें तो इस सिचुएशन में जहाँ पे कार्य बहुत सिंपल है रूटीन है कोई क्रिएटिव चीज नहीं कर रहे हैं वहाँ पर जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं या नियंत्रण की बात करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा लोगों को आसानी से आप शायद 80 या 90 लोगों को या उससे भी ज़्यादा ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर भी वो हम आगे बात करेंगे आप आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं इसके अलावा दूसरा फैक्टर जो होता है वो होता है पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षित की योग्यता यानी कि सुपरवाइजर और सुपरवाइजी की नॉलेज स्किल एबिलिटी जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि ये आप पर भी डिपेंड करेगा आप बिल्कुल ही ऐसे लोगों को मैनेज कर रहे हैं जो सिंपल कार्य कर रहे हैं बहुत ही सरल कार्य कर रहे हैं लेकिन फिर भी शायद आप में वो योग्यता नहीं है कि आप सौ लोगों को मैनेज कर पाए तो उस सिचुएशन में रहते हुए भी आप शायद चार ही लोगों को मैनेज कर पाएंगे या नियंत्रित कर पाएंगे तो ये कैसे डिसाइड हुआ कि आप कितने लोगों को नियंत्रित कर सकते हैं आपकी खुद की एबिलिटी पर आपके खुद के स्किल्स पर अब बात करते हैं सुपरवाइजी यानी कि पर्यवेक्षित की एबिलिटी और स्किल कैसे डिसाइड करती है या, या कैसे इम्पैक्ट करती है स्पैन ऑफ कंट्रोल को यानी कि नियंत्रण के दायरे को अगर आपका सुपरवाइजी यानी कि पर्यवेक्षक बहुत स्किलफुल है नॉलेजेबल है अपने आप में पूर्ण रूप से संपन्न है तो आपको बहुत ज़्यादा उसके साथ मेहनत नहीं करनी है और जब बहुत इस तरीके के लोगों के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं जो अपने आप में ही स्किलफुल हैं अनस्किल्ड नहीं हैं तो आप ज़्यादा लोगों को एक साथ नियंत्रित कर सकते हैं लेकिन इसके विपरीत अगर आप पांच ऐसे लोगों को मैनेज कर रहे हैं जिनको रोज़ आपको कुछ नया सिखाना है वो अनस्किल्ड हैं अभी उनको बहुत बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है तो उस सिचुएशन में आप ज़्यादा लोगों को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो ये फैक्टर था कि आपकी खुद की एबिलिटी या आपके सुपरवाइजी की एबिलिटी कैसे इम्पैक्ट करती है स्पैन ऑफ कंट्रोल एक और आखिरी में हम बात करेंगे इसके फैक्टर की जो है अधीनस्थों का फैलाव यानी कि डिस्पर्शन ऑफ सबोर्डिनेट्स अगर आपके अधीनस्थ एक ही जगह पर हैं तो एक ही जगह रहकर आप आसानी से उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं लेकिन अगर आपके सबॉर्डिनेट्स अलग अलग जगहों पर अलग अलग देश में अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिटीज़ में हैं तो ज़्यादा लोगों को आप मैनेज नहीं कर पाएंगे लेकिन अगर वो आप ही के ऑफिस में 50 लोग हैं तो शायद आप आसानी से मैनेज कर लें शायद आप आसानी से नियंत्रित कर लें उन्हें लेकिन वही 50 लोग अगर 50 अलग अलग सिटीज़ में हैं या कंट्रीज़ में हैं तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको मैनेज कर पाना तो डिस्पर्जन ऑफ सबॉर्डिनेट्स यानी कि अधीनस्थों का फैलाव भी यह निर्धारित करता है कि आपका नियंत्रण का दायरा क्या रहेगा यानी कि आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होगा तो यह सब था स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अथॉरिटी की यानी कि प्राधिकरण की प्राधिकरण वह वैध शक्ति है जिसे एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह सहमति से धारण करता है और अन्य लोगों पर अभ्यास करता है यही नहीं प्राधिकरण एक ऐसी शक्ति या अधिकार भी है जो आमतौर पर रैंक या कार्यालय के कारण जो इस्तेमाल की जाती है आदेश जारी करने और उल्लंघनों के लिए दंडित करने के लिए अधीनस्थों पर अधिकार रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो जो अथॉरिटी होती है वो एक तरीके की आपकी पार है लेकिन वो पार कैसे आई आपके पास आपकी रैंक या कार्यालय के द्वारा आई तो उसको हम लेजिटिमेट पार भी कहते हैं इसके अलावा एक शब्द आता है अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उत्तरदायित्व जिम्मेदारी बहुत बार हम प्राधिकरण तो ले लेते हैं हम अथॉरिटी तो ले लेते हैं लेकिन क्या भूल जाते हैं उत्तरदायित्व निभाना तो हमें यह भी जानने की जरूरत है कि आखिर उत्तरदायित्व होता क्या है तो उत्तरदायित्व किसी व्यक्ति का उसे सौंपे गए कर्तव्य कार्य को करने का दायित्व है इसके अलावा इसकी भूमिका मुख्य रूप से पालन करना है नैतिकता को उच्चतम स्तर पर बनाए रखना भी है जिम्मेदार होने का मतलब सामान्य ज्ञान अधिकार परिपक्ता और विश्वसनीयता के साथ कार्य करना होता है इसका मतलब है कि आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हाँ आपके पास अथॉरिटी भी है आपके पास नॉलेज भी है और उन सब चीजों को साथ में लेकर आप कोई जिम्मेदारी उठाते हैं उस कार्य को पूर्ण रूप से करने की और सिर्फ करने की नहीं दक्षतापूर्वक और प्रभावपूर्ण रूप से करने की जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर उत्तरदायित्व कहा जाता है अब इसमें जब हम अथॉरिटी की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि है प्राधिकरण के प्रत्यायोजन यानी कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जब आप जब आप एक सीनियर पोजीशन पर होते हैं तो सीनियर पोजीशन पर जब आप हैं और आपके पास बहुत सारे काम हैं तो बहुत सारे लीडर्स का तो ये मानना होता है कि वो सारे काम हमारे अपने हैं हम खुद ही करें लेकिन बहुत सारे लीडर्स का यह भी मानना होता है कि अगर हम अपनी अथॉरिटी यानी कि अपना प्राधिकरण औरों को देंगे अपने अधीनस्थों को देंगे तो वो भी और परिपक्व बनेंगे तो ये प्रबंधन का सबसे इंपॉर्टेंट या आप कह सकते सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आज के प्रबंधक को समझने की जरूरत है क्योंकि बहुत सारे प्रबंधक मानते हैं आज भी कि हमें अपनी अथॉरिटी यानी कि प्राधिकरण किसी को नहीं देना चाहिए वो हर चीज अपने हाथ में रखना चाहते हैं जबकि प्रेजेंट डे एनवायरनमेंट में ये कुछ हद तक गलत है अगर आप अपनी अथॉरिटी यानी कि प्राधिकरण का प्रत्यायोजन करते हैं तो वो आप ही के लिए अच्छा है बहुत सारी चीजों में अच्छा है एक तो आपके पास और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने का समय बचता है इसके अलावा आप अपने अधीनस्थों पर भरोसा कर रहे हैं तो जब ये आप भरोसा कर रहे हैं तो अधीनस्थ और ज्यादा मोटिवेट होते हैं उनका मोरल बढ़ता है कि हमारे सीनियर हमारे को अच्छा मानते हैं ट्रस्ट करते हैं हम पर तो बहुत सारे फायदे हैं इसके तो पहले ये जानते हैं ओ एस हिनर के शब्दों में कि प्राधिकरण का प्रत्यायोजन होता क्या है तो प्राधिकरण का विक्रेंद्रीकरण यानी कि प्रत्यायोजन तब होता है जब एक व्यक्ति दूसरे को अपनी ओर से और अपने नाम पर मैं फिर से कहूँगी अपनी ओर से और अपने नाम पर कार्य करने का अधिकार देता है और दूसरा व्यक्ति उसके लिए आवश्यक कार्य करने के लिए एक समान कर्तव्य या दायित्व स्वीकार करता है तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दोनों ही तरफ से होती है आप कहें कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ सीनियर करता है बिल्कुल करता सीनियर है लेकिन जब तक आपका अधीनस्थ उस अधिकार को या उस प्राधिकार को लेगा ही नहीं तो कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी तो ओ एस हिनर ने जिस पर बहुत ज्यादा जोर डाला वो ये था कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यानी कि प्राधिकरण के प्रत्यायोजन दोनों ही तरफ से होता है अगर आपको याद हो तो हमने चेस्टर बर्नार्ड की थेरी में भी जब बात करी थी अक्सेप्टेंस थे ऑफ अथॉरिटी कि कोई अथॉरिटी क्यों अक्सेप्ट करता है तो इसके साथ साथ जब हम डेलीगेशन की भी बात कर रहे हैं तो उसको हम बेस मान सकते हैं तो चलिए अब ये बात करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में यानी कि प्रत्यायोजन में तो सबसे पहले तो जिस चीज को हम डेलीगेट करते हैं वो होता है हमारे अधिकार हम अपने अधीनस्थ को अधिकारों को सौंपते हैं और सिर्फ अधिकारों को ही नहीं हम कार्यों का भी वितरण करते हैं यानी कि असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज भी करते हैं और तीसरा जो हम करते हैं वो ये है उत्तरदायित्व का निर्धारण यानी कि रिस्पांसिबिलिटी भी एग्जीक्यूट करते हैं तो ये तीन चीजें तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो डेलीगेशन को बिल्कुल सही तरीके से समझाते हैं या दर्शाते हैं कि हमें असाइनमेंट ऑफ राइट्स यानी कि अधिकारों को सौंपना है इसके अलावा हमें कार्यों का वितरण करना है और हमें उत्तरदायित्व का भी निर्धारण करना है तो आगे हम जिस पर बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि जरूरत क्यों है प्रत्यायोजन की क्यों आजकल हर संगठन इसकी बात कर रहा है तो इसलिए क्योंकि कार्यभर की कार्यभर की अधिकता बहुत ज्यादा हो जाती है जब सीनियर्स पर तो उन्हें प्रत्यायोजन करना चाहिए और यही नहीं जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब तकनीक जटिलताएं आती हैं तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं और यही नहीं जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके अधीनस्थों को मोटिवेट करता है ये उनको मोरल बढ़ाता है जब उनको डेलीगेट किया जाता है कुछ कार्य कुछ अथॉरिटी तो अथॉरिटी के साथ आप कार्य भी दे रहे हैं उनको तो दोनों ही चीजें हैं तो चलिए जो अब जानने की जरूरत है वो है टाइप्स ऑफ डेलीगेशन कितने अलग अलग प्रकार के डेलीगेशन होते हैं तो पहले हम बात करेंगे आंशिक तथा पूर्ण प्रत्यायोजन यानी कि पार्शियल एंड कंप्लीट डेलीगेशन पार्शियल एंड कंप्लीट डेलीगेशन का मतलब होता है या तो आपके अधिकारी ने आपको कुछ हिस्सा अपने प्राधिकार का दिया है सौंपा है और कंप्लीट डेलीगेशन हुआ कि उन्होंने अपना पूरी अथॉरिटी आपको वो सौंप रहे हैं। तो यह आपको सोचना है कि आपको अपने अधीनस्थ को कंप्लीट डेलीगेशन करना है पार्शियल डेलीगेशन ज्यादातर संगठनों में पार्शियल डेलीगेशन ही देखा गया है लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस में जहां पर या तो आपके प्रभारी मुख्य मुखिया को कहीं जाना पड़ता है या कुछ भी ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर वो कंप्लीट डेलीगेशन भी देखा गया है इसके अलावा जो दूसरा प्रकार होता है वह होता है प्रतिबंधित तथा अप्रतिबंधित प्रत्यायोजन यानी कि रिस्ट्रिक्टेड एंड नॉन रिस्ट्रिक्टेड डेलीगेशन इस तरीके के डेलीगेशन में आपको कुछ डेलीगेट करने से पहले यानी कि प्रत्यायोजन करने से पहले हम कुछ शर्तें रखते हैं अगर वो शर्तें आप पूरी करते हैं तब तो प्रत्यायोजन यानी कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आपके पास रहता है अगर वो शर्तें पूरी नहीं होती तो वो डेलीगेशन आपसे वापस ले लिया जाता है यानी कि कुछ शर्तों के रहते ही डेलीगेशन यानी कि प्रत्यायोजन किया जा रहा है इसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड यानी कि प्रतिबंधित प्रत्यायोजन अप्रतिबंधित उसमें कोई शर्त नहीं होती है आपका मुखिया आपका एम्प्लॉयर आपको किसी भी तरीके से कैसे भी डेलीगेशन कर सकता है इसके अलावा जो तीसरा प्रकार होता है वह होता है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेलीगेशन डायरेक्ट डेलीगेशन का मतलब आपका जो इमीडिएट पर्यवेक्षक है यानी कि सुपरवाइजर है उसने आपको कार्य सौंपा जो आपका इमीडिएट सुपरवाइजर है इसको हम डायरेक्ट प्रत्यायोजन यानी कि प्रत्यक्ष प्रत्यायोजन कहेंगे इनडायरेक्ट कि आपको जो कार्य मिला है वो किसी तीसरे पर्सन के थ्रू मिला है जैसे कि मान के चले आपके जो सुपरवाइजर हैं उनके भी कोई सीनियर हैं और उन सीनियर ने आपको कोई कार्य दिया लेकिन वो कार्य आपको किसके थ्रू या डेलीगेशन आपको किसके थ्रू मिला आपके सीनियर के थ्रू तो ये हो सकता है एक तरीके का इनडायरेक्ट डेलीगेशन यानी कि अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन आखिरी में जिस पर हम बात करना चाहेंगे वो है औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रत्यायोजन यानी कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रत्यायोजन औपचारिक प्रत्यायोजन में पूरी कार्यवाही के अनुसार कागजों पे आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दिया जाएगा यानी कि प्राधिकार का प्रत्यायोजन होगा लेकिन जब हम इनफॉर्मल की बात करते हैं तो इनफॉर्मल में अनौपचारिक तरीके से या इनफॉर्मल रिलेशंस, इनफॉर्मल रिलेशंस यानी कि संबंधों के बेसिस पर आपको प्रत्यायोजन दिया जा रहा है उसमें कोई लिखा पढ़ी नहीं होती है एक इनफॉर्मल एक वर्बल तरीके से आपको डेलीगेशन किया गया है या प्रत्यायोजन किया गया है तो यह थे अलग अलग प्रकार के प्रत्यायोजन अब जब आप प्रबंधक बनेंगे तो आपको यह सोचना है कि आपको कौन सा प्रत्यायोजन इस्तेमाल करना है कौन सी सिचुएशन में चलिए एक और चीज पर हम जल्दी से बात करते हैं आप हर सिचुएशन में डेलीगेट नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहली चीज जिस पर मैं बात करना चाहूंगी वो है अधीनस्थों पर भरोसा करने की इच्छा का अभाव मैंने आपको कहा कि प्रत्यायोजन करना चाहिए क्यों क्योंकि इससे आपके अधीनस्थों का मनोबल बढ़ता है उन्हें लगता है कि उनका सीनियर उन पर विश्वास करता है ट्रस्ट करता है लेकिन अगर हम सोचें तो बहुत जगहों पर जो सीनियर्स हैं जो मुखिया हैं कंपनी के वो अपने अधीनस्थों को इसलिए प्रत्यायोजन नहीं कर पाते इसलिए प्राधिकरण का प्रत्यायोजन नहीं कर पाते हैं क्योंकि वह उन पर विश्वास नहीं करते और ऐसा नहीं है कि वह विश्वास करना नहीं चाहते वो बस इसलिए है कि कभी कभी कंपनी में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो शायद हर एक को नहीं बतानी चाहिए जिससे कि कंपनी कभी कभी नुकसान में चली जाती है तो ये भी एक रीज़न हो सकता है लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया है कि ट्रस्ट नहीं है उसके अभाव में भरोसे के अभाव में प्रत्यायोजन नहीं हो पाता है तो ये उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है इसके अलावा जब हम बात करते हैं प्रत्यायोजन की तो योजना बनाने की क्षमता का अभाव यानी कि lack of ability to plan and direct, बहुत बार तो बहुत सारे पर्यवेक्षक यही नहीं समझ पाते यही प्लान नहीं कर पाते कि उनको क्या चीज़ डेलीगेट करनी चाहिए कौन सी अथॉरिटी डेलीगेट करनी चाहिए कौन सी अथॉरिटी नहीं डेलीगेट करनी चाहिए वो उसकी प्लानिंग ही नहीं कर पाते हैं प्लानिंग के साथ साथ जब अगर वो डेलीगेट कर भी देते हैं तो वो अपने अधीनस्थ को अच्छे से समझा ही नहीं पाते उस अथॉरिटी उस प्राधिकरण की महत्ता तो यहां पर जो एक बहुत बड़ी सीमा है प्रत्यायोजन की तो वह सीमा का यह मानना है कि कहीं ना कहीं हम एक अच्छी प्लानिंग नहीं कर पाते जिसकी वजह से हमें अच्छा डेलीगेशन नहीं हो पाता है इसके अलावा अगर हम बात करें कि और क्या सीमा है तो अधीनस्थों पर अधिक भार बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जो जितने भी पर्यवेक्षक या मुखिया हैं उन्होंने अपना बहुत सारा कार्य बहुत सारा कार्य अथॉरिटी के रूप में डेलीगेट कर दिया अपने सबॉर्डिनेट्स पर अब आप सोच के देखिए जो उनके पर्यावेक्षित हैं जो उनके अधीनस्थ हैं उनके पास अपना तो काम है ही करने का उसके साथ साथ उन्हें अपने सीनियर का भी काम करना पड़ रहा है तो अब आप सोच सकते हैं इसमें मनोबल कहाँ बढ़ेगा इसमें तो मैं कहूंगी मनोबल की वृद्धि होने की बजाय मनोबल घट जाएगा क्योंकि अब उनका पर्यवेक्षक ये चाहता है कि वो अपना भी काम करें अच्छे से प्रभावपूर्ण तरीके से और उनका भी काम करें तो ये एक सीमा है इसके अलावा आखिरी में जो एक सीमा पे मैं बात करूंगी वो ये कि अधीनस्थों को कार्य तो बहुत मिल रहा है करने को या अथॉरिटी मिल रही है लेकिन उसका कहीं ना कहीं मौद्रिक प्रोत्साहन यानी कि मॉनिट्री बेनिफिट उनको जब नहीं मिलता तो वो थोड़ा डीमोटिवेट फील करते हैं क्योंकि जब वो कार्य कर रहे हैं अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तो कहीं ना कहीं जब हम इंसान की बात करते हैं तो उसे एक मौतरिक प्रोत्साहन की भी जरूरत होती है लेकिन जब भी हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात करते हैं तो कोई भी पर्यवेक्षक अपनी सैलरी में से अपने पर्यवेक्षित को नहीं देता है तो इसलिए भी ये सब सीमाएं हैं जिसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि हम कैसे इनको दूर कर कर एक अच्छा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यानी कि प्राधिकरण का प्रत्यायोजन कर सकते हैं किसी भी संस्था में तो प्रिय विद्यार्थियों इस सत्र में जिस पर हमने बात करी वह था ऑर्गेनाइजिंग कार्य एक प्रबंधक का समर्थन करता है और कैसे करता है उसका उसकी अवधारणा को हमने समझा इसके अलावा हमने यह देखा कि किस किस प्रकार के विभागीकरण होते हैं किस तरीके से नियंत्रण का दायरा तय किया जाता है प्राधिकरण के प्रत्यायोजन क्या होता है उसके क्या प्रकार हैं और उसकी क्या सीमाएं हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को आज के सत्र में आज के व्याख्यान में यह सारी बातें अच्छे से समझ आई होंगी धन्यवाद